हरियाणा में आगामी चुनावों की तारीखों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब चुनाव 7 या 8 अक्टूबर को हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की, जिसके बाद चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में मंगलवार को ही चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग के संभावित निर्णय का सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनावी रणनीतियों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें मंगलवार को होने वाली घोषणा पर टिकी है, जिसमें ये साफ हो सकेगा कि हरियाणा के मतदाता किस दिन अपना वोट डालेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने यह तर्क दिया कि 1 अक्टूबर के आसपास वीकेंड और छुट्टियां हैं, इस वजह से लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। साथ ही ये भी कहा कि अगली तारीख निर्धारित करते समय ये ध्यान रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले और मतदान के अगले दिन छुट्टी ना हो। ऐसा करने से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। बडौली ने चिट्ठी में यह भी बताया कि 28 और 29 को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को मतदान होने की वजह से छुट्टी है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 को अग्रसेन जयंती है। 30 की छुट्टी लेकर 6 दिन का एक लंबा वीकेंड पड़ रहा है, ऐसे में लोग छुट्टियां मनाने प्रदेश के बाहर जा सकते हैं और इससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। अब इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि उन्हें बीजेपी की चिट्ठी मिली है, इस पर उपयुक्त फैसला लेने के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। आपको बता दें, 2 साल पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई थी। चुनाव आयोग इससे पहले भी तारीखों में बदलाव कर चुका है। साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई थी। इसके 2 दिन बाद रविदास जयंती थी। पंजाब के काफी लोग रविदास जयंती मनाने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते हैं। राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख में बदलाव किया गया और इसे 20 अक्टूबर कर दिया गया था। बिश्नोई समाज ने भी मतदान की तारीख बदलने की मांग की। बीजेपी के बाद बिश्नोई समाज महासभा ने भी मतदान की तारीख में बदलाव करने की मांग की। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़ियान ने कहा कि हर साल राजस्थान के बीकानेर में गुरु जम्भेश्वर भगवान की समाधि स्थल पर अमावस्या के दिन एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें हरियाणा समेत पूरे देश के बिश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। इस बार 1 अक्टूबर को अमावस्या पर मुक्ति धाम मुकाम में मेला निर्धारित है। 2 को भी पूरे दिन अमावस्या है और 1 को ही मतदान है। महासभा का कहना है कि मेला होने की वजह से बिश्नोई समाज के काफी लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए मतदान की तारीख बदल दी जाए। लोकसभा चुनाव में गर्मी की वजह से कम हुआ था मतदान। इससे पहले लोकसभा चुनाव में गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई थी। 25 मई को भीषण गर्मी थी और लोग घरों से मतदान के लिए नहीं निकले। 2019 में करीब 70% मतदान हुआ था, जबकि बीते मई को 65% मतदान ही दर्ज किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।